हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर चैनल टूडे यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट टू ऑलरेडी वी डिस्कस पार्ट वन देन नाव यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट स्टार्ट इट ओकेर टुडे यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओके देन ऑलरेडी वी डिस्कस की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है और उसके बारे में डिटेल में जान चुके हैं जो सेंटेंस को हम लोग बिना ये किए मीनिंग को चेंज किए सेंटेंस को अगर हम चेंज कर रहे हैं दैट इज़ कल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ओके तो यहाँ पे हम लोग रूल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को विथआउट चेंजिंग द मीनिंग ओके तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे देन दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे वर्ब देन टू यूज करेंगे फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखेंगे फिर इनडिफिनेटी लिखेंगे ओके देन यहाँ पे हम लोग का ये है प्रिंसिपल क्लाउजेस देन विथ और सो और मच ये सब हम यूज कर सकते हैं दर्ड यूज कर सकते हैं देन दूसरा हम लोग का एडवर्ब क्लाउज यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो देख लेते हैं यहाँ पे द मैन इज टू फॉर टू पे हिस बिल यहाँ पे है हम लोग का सिंपल सेंटेंस ओके okay, देन यहाँ पे हम लोग का ये सिंपल सिंपल uh, है सेंटेंस देन द मैन इज सो फॉर दैट ही कैन नॉट पे हिज बिल तो हम लोग का क्या है पूरा सिंपल सेंटेंस में हम ये करके बताए कि ये मैन क्या है वो बहुत ही प्यर है और वो बिल पे नहीं कर सकता है और सेकेंड सेंटेंस में हम लोग वही सेम चीज को बताए हैं बट हम लोग क्या किए हैं uh, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डाल के किए हैं बट मीनिंग वही सेम है द मैन इज सो फॉर दैट ही कैन नॉट पे हिज बिल वो बहुत ही गरीब है इसके वजह से वो पे नहीं कर सकता है देन तीसरा हम लोग का है सैम इज़ टू हॉनेस्ट टू चेट ओके ये भी हम लोग का सिंपल सेंटेंस में जाएगा देन दूसरा हम लोग का क्या है सैम इज सो हॉनेस्ट दैट ही कैन नॉट चेट तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बट मीनिंग सेम है क्या है सैम क्या है बहुत ही हॉनेस्ट है वो चीट नहीं कर सकता है और दूसरा हम लोग का क्या है श्याम क्या है बहुत ही हॉनेस्ट है बट इसीलिए वो चीट नहीं कर सकता है बट मीनिंग क्या है सेम है कि श्याम क्या है हॉनेस्ट है और चीट नहीं करता है तो हम लोग का ये हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक है तो दूसरा हम लोग का देखेगा टू इज रिप्लेस बाय सो और सच हम लोग टू को क्या में रिप्लेस कर सकते हैं सो so में रिप्लेक्स कर सकते हैं या सच में रिप्लेक्स कर सकते हैं देन इन्फिनेटिव इज चेंज इन टू डैट प्लस नेगेटिव एट बर्ड क्लाउज ऑफ रिजल्ट तो हम लोग यहाँ पर क्या है इन्फिनेटिव जब भी यूज करेंगे सो और दैट सो और सच दे उसमें हम लोग क्या है चेंज करते समय हम दैट को यूज करेंगे और नेगेटिव क्लाउज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तभी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा जैसे एग्जाम्पल हो गया श्याम इज टू हॉनेस टू चीट तो ये हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे सिंपल ये है सेंटेंस है तो हम लोग उसी को चेंज करने के लिए टू की जगह में सो so डाले हैं देन उसके बाद में हम लोग क्या डाले हैं दैट डालने के बाद में आ, जो हम लोग का नेगेटिव ये है एडवर्ब है उसको ऐड किया ही कैन नॉट ओके देन यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो जाता है ये जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं दैट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कैन नॉट हम लोग नेगेटिव को ऐड करना है और डैट को हम लोग यूज कर सकते हैं देन सेम सो एज दैट ही कैन नॉट चीट हम लोग का ये सेंटेंस हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक ओके देन दूसरा देखेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एक दो देखेंगे जो हम लोग का क्लास टेन का जो सी बुक में है उसके बारे में मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज थोड़ा सा ये क्या है एक्सरसाइज अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ही क्लियरली हम जान पाएंगे देन री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई रिमूविंग द एडवर्ब टू यहाँ पे जो एडवर्ब दिया है टू उसको हम लोग रिमूव करके सो so, या सच लगा के यूज करेंगे ओके श्वेता इज टू वेग इन स्टडी टू पास तो हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं आंसर में स्वेता इज आप थोड़ा बोल के देखिए एक बार क्योंकि ये हम लोग जो आगे में जो भी एग्जाम्पल देखे हैं उसी के दौर पे ही उसी के तरह ही हमें इसे भी चेंज करना है तो सो दैट ही कैन नॉट क्या करना चाहिए आप लोग थोड़ा सा सोच के ये कीजिए और अगर हो सके तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए इसका आंसर को तो इसमें क्या है आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोग अच्छा से समझ पाए बोल के मैं भी श्योर हो जाऊँगी ओके okay? देन दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है माय सिस्टर इज टू गुड टू हार्म एनीवन ओके देन माई बॉस इज टू विजी टू पिक अप द फोन तो ये सब हम लोग का है एक्सरसाइज तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पूरा दूँगी अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर दूंगी द बस इज टू विजी टू पिक अप द फोन ये हम लोग का जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सब सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है द पेसेंट इज टू वीक टू गो आफ्टेयर दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय अनिल इज टू लेजी टू गेट आउ अर्ली इन द मॉर्निंग राकेश इज टू स्लो टू विन द रेस अनिका इज टू शॉट टू टच द पेंटिंग, ओके तो यहाँ तक हम लोग का है ये क्वेश्चन है आंसर को मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, तब तक के लिए आप लोग हो सके तो कमेंट करके मुझे इसका आंसर को जरूर बताइए तो मैं भी थोड़ा सा कन्फर्म हो जाऊँगी कि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट कौ, 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 करके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इंग्लिश ग्रामर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मे बी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी हम लोग के लिए ग्रामर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय